चीन चाहता क्या है? भारत चीन सीमा पर एक बार फिर चीनी फौजी के दखल की खबर आई है। जी हां, चीनी फौज एक बार फिर भारतीय सीमाओं में घुस आई है। सूत्रों के मुताबिक 21 जुलाई यानी रविवार की सुबह चीनी फौज ने एक बार फिर पूर्वी लद्दाख के चुमार में भारतीय सीमा में दखल दिया और निगरानी के उपकरणों में इस्तेमाल होने वाला तार यानी कि ऑप्टिकल फाइबर चुरा कर ले गया। सूत्रों के मुताबिक चीनी फौज करीब 200 मीटर की ऑप्टिकल फाइबर्स चुरा कर ले गए। यह पहला मौका नहीं है। आपको बताते हैं कि करीब 40 बार इस साल चीनी सैनिक भारतीय सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर चुके हैं। 16 और 17 जुलाई को भी इसी महीने वो इस इलाके में आए थे और उन्होंने वहां पर मार्च किया था, बैनर और पोस्टर्स लेके कि हमारे इलाके छोड़ दो। और आपको याद होगा कि अप्रैल और जून में 10 किलोमीटर अंदर घुस आए थे और अपने बंकर तक बना दिए थे। देयर आर मेनी पॉइंट्स इन द एलएसी दैट आर डिस्प्यूटेड, सो दिस डिस्प्यूटेड एरियाज Both sides are patrolling. Both sides are trying to find a long-term solution to the long-pending border dispute. Till that time, our aim is to maintain peace and tranquility in the border. But still there are this kind of disputed points are there. Both sides are going their own perception. Sometimes this causes to some embarrassment situations. काफी विवादास्पद इलाका है, लेकिन ये विवाद चीनी सैनिक ही क्यों कर रहे हैं? चीन ही क्यों ऐसी हिम्मत दिखा रहा है बार बार अंदर घुसने की? भारतीय सैनिक तो चीनी सीमा के अंदर नहीं घुस रहे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी को पार नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि चीनी फौज ही बार बार इस तरफ आ रहे हैं? और देखिए आपके सामने इस साल करीब 40 बार से ज्यादा ऐसा हो चुका है जब चीनी फौज यहां घुस चुके हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था, अप्रैल और मई में वो 10 किलोमीटर अंदर घुस आए थे और उसके बाद नेताओं की बातचीत के बाद चीनी फौजियों ने अपने बंकर हटाया और वापस अपने देश लौटे। और ना सिर्फ पूर्वी लद्दाख या लद्दाख की तरफ मुश्किलें हैं, यहां तक कि अरुणाचल सिक्किम में लगातार घुसपैठ है और अरुणाचल के लोगों को यहां चीनी वीजा के मामले को लेकर भी बहुत विवाद लगातार होते रहे, क्योंकि उनका कहना है कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है और यहां के बाशिंदे को चीन आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो इस मामले को लेकर भी कई विवाद लगातार सामने आते रहे।